Myself, Dr. Mahesh Prasad Agrawal. I am working as Senior Interventional Cardiologist at Manipal Hospital, Bhubaneswar. Today, we will discuss about the heart failure. Heart failure, as the name, heart fails. Where the heart fails? Heart fails to pump and to supply the blood to different organ of the body according to the needs. Tamane, body ro different organ ro requirement hisabare heart ब्लड सप्लाय करि पारेनि यहार मुख्य कारण विभिन्न प्रकार हो पारे हार्ट आइदर एबल नॉट एबल टू पंप दि ब्लड तो हार्ट रो मसल रो वीकनेस जो हार्ट फेलियर होता या हार्ट रो मसल रो इलास्टिसिटी जदि बहुत लूज हो जाए या बहुत टाइट हो जाए देन अल्सो दि हार्ट फेल्स टू पंप दि ब्लड टू दि डिफरेन्ट ऑर्गन ऑफ दि बॉडी तो हार्ट रो मसल रो वीकनेस काहीकी हुए विभिन्न कारण जो हार्ट रो मसल रो वीकनेस होता है इंडिया रे एंड पार्टिकुलरली ओडिशा एंड ऑल ओवर दि वर्ल्ड रे हार्ट रो मसल रो वीकनेस रो मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज बा इस्चिमिक हार्ट डिजीज सरल भाषा रे आमे जदि कहिबा इस्चिमिक हार्ट डिजीज माने हार्ट रो मसल्स रो रक्त मसल को जो रक्तनली गुडी को ब्लड सप्लाई करूची सेही रक्तनली रे जदि कोनोसी कारण जदि ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज हुए ताहाले हार्ट रो मसल को एडिक्वेट अमाउंट रे ब्लड सप्लाई हे पारे नै जहाद्वारा हार्ट अटैक होता है जहाद्वारा हार्ट रो मसल डैमेज हो जाए यह हूँ हार्ट रो मुख्य कारण हार्ट फेलियर गोटे मुख्य कारण अदर देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज भाइराल मायोकार्डाइटिस जो थे हार्ट रो मसल्स रो गुड़क भाइराल इनफेक्शन द्वारा अफेक्ट हो जाए जहाद्वारा हार्ट रो मसल्स वीक हो जाए किसी कारण जमी अल्कोहल इंजेक्शन पोस्ट कैंसर पेशेंट मैंने जो केमोथेरापी नौकर हार्ट रो मसल रो वीकनेस होता है कारण अच्छी जोटा आम एपर्यंत जापरू जहाँ को कह जाए इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से हार्ट रो मसल्स वीक हो जाए था जहाद्वारा हार्ट फेलियर पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है अन्य कारण गुड़िक अन्य प्रकार कारण जमी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाल्वुलर हार्ट डिजीज कंजेनियल हार्ट डिजीज यही प्रकार डिजीज मानक हार्ट रो मसल बहुत ठीक हो जाए बहुत ठीक हेल्ले हार्ट रो इलास्टिसिटी लूज इलास्टिसिटी कमी जाए जदि हार्ट रो इलास्टिसिटी लूज है तेज हार्ट को जो अनुपात में ब्लड आसवा कथा हार्ट को सही अनुपात में ब्लड आसी पारे जहाद्वारा ब्लड हार्ट को नसिले हार्ट रु ब्लड बाहर को डिमांड हिसाब से ब्लड सप्लाई अन्य ऑर्गन को हो पारे ताद्वारा पेशेंट को हार्ट फेलियर हुए या विभिन्न प्रकार कार्डियोमायोपैथी बोली कहा जाए जमी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी यही सब जिनस हार्ट रो इलास्टिसिटी कमी जाए हार्ट स्टिफ हो जाए जहाद्वारा हार्ट इज नॉट एबल टू सप्लाई द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ताकू हार्ट फेलियर कही था तेबे आपे आम क्वेश्चन आसे आम पेशेंट मैंने पचारती केमी जानवे जो पेशेंट मत हार्ट फेलियर अच्छी ना ना तेरे आ डाक्टर मैंने केमी जानती से पेशेंट रो हार्ट फेलियर अच्छी ना नहीं हार्ट फेलियर किसी लक्षण अच्छी तन्मधर यही तीनटा हूँ मुख्य लक्षण प्रथम है ब्रेथलेसनेस ब्रेथलेसनेस आगर कि बाट चल बहुत बाट चल धईस होता किंतु एवं अति कम बाट चलने धईस हो प्रथम फ्लोर सीढ़ी चलने आमको धईस लगुच हार्ट ये हार्ट फेलियर गोटे लक्षण हो पाए द्वितीय लक्षण है पी एंड आम मेडिकल भाषा आम कहू पी एंड डी पाराक्सिस्मल नोचुलर डिस्निया या ऑर्थोपनिया या माने हला पेशेंट यूजुअली धईस ही हमें राति शोला जिते बड़े सडनली पेशेंट उठिकिना बसी जाए छाती उदमुदा पेशेंट को उदमुदा लगे सडनली पेशेंट धईस ही हम बसी पड़ो झरका खोल ऑक्सीजन टिके आसे आराम लगे यहीटा गोटे हार्ट फेलियर गोटे अनादर मुख्य लक्षण तृतीय लक्षण है जोटा है हाथ गोड़ फुलवा पेट फुलवा आपेटाइट लस हो जावा यहीटा हूँ राइट हार्ट फेलियर एक लक्षण तेबे आपण जदि जाणिले आपण को ये प्रकार लक्षण आसुची तेबे तुरंत आपण डाक्टर परामर्श करिया कथा जदि आपण तेबे डाक्टर पाख को शीघ्र परामर्श कले आपणकर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो पार जमी डॉक्टर पाख गले बेसिक टेस्ट करला से ईसीजी आउ इको आपन को सजेस्ट कर पाते जहाद्वारा आम हार्ट रो पंपिंग पावर केते अच्छी कौन अच्छी जानपर हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट है बेसिकली 90% ऑफ़ द केसेस रे एटा मेडिसिनल ट्रीटमेंट रहे मेडिसिनल ट्रीटमेंट जमी डायुरेटिक टैबलेट्स जोटा परिस्रा कर द्वारा पेशेंटर सिम्टम किसी हुए किसी टैबलेट जोटा जमी बीटा ब्लॉकर टैबलेट्स जोटा अचानक मृत्यु हार्ट फेलियर पेशेंट को बचाए एआरबी इनहिबिटर्स जोटा हार्ट रो पंपिंग पावर को किसी
ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର୍ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ଆଜି ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 4-5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି କିଛି ଔଷଧ ଯେଉଁଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନେପ୍ରିସିଲିନ୍ ଇନହିବିଟର୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଡିଓପାଥିକ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କେବଳ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜୁଆଲି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।